वहीं जालौर के चितलवाना थाना क्षेत्र के सेसावा गांव में खौफनाक वाकया देखने को मिला। यहां एक पति ने अपनी दोनों पत्नियों को कार में बिठाकर पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया। आरोपी पति अब चितलवाना पुलिस की गिरफ्त में है, जिसने जी मीडिया के कैमरे के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। कल ये मामला सामने आया था, आपको याद होगा, लोगों ने बचाया था, ये बच गया और अब पता चला वो हादसा नहीं था, दरअसल एक इंटेंशनल मर्डर था, डबल मर्डर था। आरोपी पति जिसने अपनी दोनों पत्नियों को आग के हवाले कर दिया, जिंदा जलाकर मार दिया, यही वो आरोपी पति है जो अब चितलवाना पुलिस की गिरफ्त में है। आपको अफसोस है क्या? अफसोस है सर। क्यों मारा दोनों पत्नियों को? वो सब नई वाले ने, वो बहुत काफी झगड़ा करती थी, मेरे को बार बार गला दबाती थी, मारने को साथी थी, और मेरा बच्चा है बड़ा वाला, उसको भी मारना साथी था, और वो बड़ी वाली पत्नी उसको मैं मार नहीं सकता था, अपन गाड़ी लॉक हो गई, लॉक होने की वजह से मैं गाड़ी खोल नहीं पाया। क्या छिड़क कर मारा? पेट्रोल सर। पेट्रोल कितने दिन से पास में था? 15 दिन से पास में था। मतलब 15 दिन से कहानी? वो तो रस्सी हुई थी, पर मैं दिन निकाल रहा था कि मैं अभी रुक जाऊँ, ठीक रहे, 10 दिन निकाल लूँ, 15 दिन निकाल लूँ, 20 दिन निकाल लूँ, ऐसे ऐसे, पर मैं दूर जाता था पत्नी से, तो मेरे ऐसा लगा कि अभी चलो 10 दिन निकाल देते हैं, पर मैं उसके पास जाता हूँ तो वो गला दबाने की धमकियाँ दे रही, गालियाँ दे रही, तो मैं अभी के अभी सिर के मार दूँ। कैमरामैन पारस के साथ लोनाराम, जी मीडिया, जालौर।